सो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीवो की तरफ से आने वाले न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो वी ट्वेंटी स्मार्टफोन के बारे में, जो कि एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा। ये डिवाइस आपको पावरफुल कैमरा के साथ देखने को मिलता है और इस बार आपको वीवो के बी सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इससे पहले वीवो के बी सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कमी देखने को मिलता था। तो गाइज आज हम बात करेंगे इसी डिवाइस के कन्फर्म एस्पेक्ट्स एंड प्राइसिंग के बारे में और ये डिवाइस हमें इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले से। तो ये डिवाइस आपको एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आएगा, जहां पे आपको 6.44 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आएगा और यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर ये डिस्प्ले आपको एक पंच होल डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, तो ये डिवाइस आपको लुक वाइज और भी बेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको वैसे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर लें इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ये डिवाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में आएगा, जहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। साथ ही ये डिवाइस आपको काफ़ी स्लिम डिजाइन के साथ में देखने को मिलेगा और वहीं आपको बैक साइड की ओर ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि स्क्वायर शेप में अलाइन किया गया है। और इसका प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि विथ f1.9 अपर्चर के साथ में आता है। इसके अलावा को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें इसके फ्रंट शूटर के बारे में, तो आपको फ्रंट में 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको रियर एंड फ्रंट दोनों तरफ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे आप 30 FPS पे शूट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको सुपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और भी आपको ढेरों फीचर देखने को मिलेगा। तो कैमरा की क्वालिटी आपको रियली काफी बेटर देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात कर जाए इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का SoC देखने को मिलेगा, जो कि 8nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और ये चिपसेट आपको एडिनो 618 GPU के साथ में आता है और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 2.3 GHz देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये चिपसेट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वैसे भी आपको ये चिपसेट काफ़ी सारे स्मार्टफोन में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जो कि मिड रेंज के अंदर पावरफुल चिपसेट है। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के पावर के बारे में, तो ये डिवाइस आपको 4000mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आएगा। यहाँ पर आपको बैटरी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जो कि आजकल का कंपटीशन है, उसके हिसाब से कम से कम 4500mAh का पावरफुल बैटरी देना चाहिए था, लेकिन आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 3.5 का ऑडियो जैक और वहीं आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और ये डिवाइस आपको सिंगल ब्रांड के साथ ही देखने को मिलता है, जिसका बेस मॉडल आपको 8G+128GB होगा। और वहीं ये डिवाइस आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ में आएगा, जो कि फंटस वेस 11 पर बेस्ड होगा। तो अब बात कर लें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको 25 से 26 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा और ये डिवाइस आपको 13 अक्टूबर को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको चाहिए कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, तो आप जरूर वीवो के बी सीरीज स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ।